दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओला S1 Pro के वर्चुअल साउंड के बारे में। मतलब कि आपको पता होगा कि EV चलती है जब आवाज़ नहीं आता है, तो इस वजह से ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इसमें दो स्पीकर दिए गए हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे और यहाँ पे, तो इससे आवाज़ आता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सेटिंग में जाके आपको सिंपली मैं अब होम स्क्रीन पर आता हूँ। और देखिए आपको राइट से लेफ्ट स्वाइप करना है और सेटिंग में चले जाना है। उसके बाद ऑल सेटिंग में जाके नीचे की तरफ जाके मूड्स में सिलेक्ट करके, अब ये मैंने विंटेज सिलेक्ट किया है। अब इसमें म्यूट का ऑप्शन आता है तो ये मैंने अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, तो इसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। देन आपको सिंपली गाड़ी चलानी है। अब आपको आवाज़ दिखाता हूँ गाड़ी का, क्या आवाज़ कैसे आता है, ये देख सकते हो दोस्तों। इस प्रकार से मैंने चालू की है तो विंटेज मोड में ये गाड़ी का आवाज़ आता है, प्रकार से आवाज़ आ रहा है। तो आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड है एंड जैसे कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स से आवाज़ की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। इसकी जो ट्यूनिंग है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत ज़्यादा अच्छी करी है ओला ने। जितनी आप प्रेस तब, मतलब जितना आप थ्रॉटल दोगे उतनी ये आवाज़ करेगी। हाई स्पीड्स पे दोस्तों ये इतनी ज़्यादा, मतलब कि जैसे 90-95 स्पीड पे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मगर सिटी में बहुत ज़्यादा लाउड बजता है। आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो इसकी साउंड कम ज़्यादा। ये दूसरा मोड है बोल्ट मोड। इसमें 3 मोड आते हैं, विंटेज, बोल्ट और इक्लिप्स। सबसे बेस्ट विंटेज है, उसके बाद बोल्ट है और इक्लिप्स मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो ये बोल्ट मोड है। इसमें ऐसे भी फिर आप देख सकते हो कि आप ठीक से सुनना, इसमें गियर शिफ्टिंग की भी जो है वो ऐसा लगता है गियर शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ इंटरवल के बाद ही धीमा हो जाता है। और उसके बाद इक्लिप्स मोड, जो कि इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये इक्लिप्स सेलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे इक्लिप्स मैंने सेलेक्ट किया। 3 ही मोड आते हैं, देखो इसके पास इतना कुछ अच्छा नहीं था। तो यही थे दोस्तों इसके फीचर्स। तो कैसे लगे आपको प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।